हेलो, वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा देखिए, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। हमें दो नंबर दिए हुए हैं, उनके बीच में हमें कुछ नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है? तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने दो क्वेश्चन लिए, दोनों ही डिफरेंट टाइप के हैं। आओ स्टार्ट करते हैं। पहले आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देते हैं जो आप छोटी क्लासेस में करके आए हैं। बेटा देखो, आपको पता है नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन में सेंटर में जीरो होता है, राइट? इस साइड में प्लस के नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, 1 2 3। इधर यहां पे -1 -2 -3, यू नो दिस, ओके? अब इस नंबर लाइन से ही हमें पता चलता है नंबर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे आपको पता है 3 बड़ा है, 2 छोटा है ना, 3 और 2 में। तो बेटा जो नंबर राइट में होता है ना, हमारे राइट में, वो हमेशा बड़ा होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि माइनस में बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये -3 है, ये -1 है, इन दोनों में अगर मैं बड़ा पूछूंगा तो बेटा जो राइट में होगा वही बड़ा होगा। तो राइट में इस वक्त कौन है? -1। गॉट इट? तो इसका मतलब -1 बड़ा है। ये मुंह इस तरफ खुल रहा है, -1 की तरफ, यानी -1 -3 से बड़ा है। तो देखो उल्टा लग रहा है ना। तो बेटा यही चीज समझाने के लिए मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है? अब दूसरी बात समझो बेटा। बेटा बेसिक चीजें इसमें यूज होनी है, अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हो तो बेटा ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, ठीक है? इसलिए समझो। अब 2 और 7 के बीच में नंबर बताऊं, पूछूं आपसे तो आप बहुत इजीली बता देंगे, सर 3 भी आता है, 4 आता है, 5 6 सब आ जाता है, ठीक है? लेकिन जब रैशनल नंबर की बात आ जाती है, ठीक है, अपॉन वाली फॉर्म की, तो बच्चे थोड़े प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो आपको एक चीज बताऊं, अगर नीचे नंबर सेम है, दोनों जिनके बीच में आपने नंबर निकालने हैं, जैसे इधर भी 10 है इधर भी 10 है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही करना है जैसे आप इस वाले में किया है। कैसे? 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, बस नीचे 10 लगाते जाना है। गॉट इट? क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम वाली इसके अंदर बात नहीं है, ठीक है? आओ अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है? अब अच्छा, एक क्वेश्चन था हमारा शुरू शुरू में, -2 से ग्रेटर, ठीक है, -2 से बड़े आप नंबर्स बताइए, रैशनल नंबर। तो बेटा ये तो देखो, -2 ये रहा, -2 से राइट में जितने भी नंबर हैं सारे इससे बड़े हैं। -1 भी इससे बड़ा है, 0 भी बड़ा है, 1 भी बड़ा है, 2 भी बड़ा है। देखो मैंने लिख दिया था, -2 से बड़ा -1, -1 से भी बड़ा 0, 0 से भी बड़ा 1, 1 से भी बड़ा 2, ठीक है? और सबके नीचे 1 लगा दिए ताकि रैशनल नंबर PYQ फॉर्म में बन जाए। लो, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना होता। अगर -2 से छोटे नंबर पूछ लें आपसे तो आप लेफ्ट में जाओगे। गॉट इट? अगर -2 से छोटे, -3 -4, तो अगर -2 से छोटे नंबर पूछे हैं तो ऐसे लिखे जाएंगे, -3 छोटा है -2 से, -4 और भी छोटा है, -5 उससे भी ज्यादा छोटा है, तो आप ऐसे नंबर लिख सकते हैं। गॉट इट? तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, तो 6th 7th में समझ लेना चाहिए। अभी ना देखिए, 5 रैशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 2। तो आप देखो, -1 का है आपका ये रहा एंड 2 ये रहा, इसके बीच में कितने नंबर मिल रहे हैं आपको दिखने में नंबर लाइन पे? बहुत इजीली 0 और 1 तो बहुत इजीली मिल रहा है, लेकिन उनको कितने चाहिए? 5। हमारे पास कितने हैं? 2। तो ये देख के काम नहीं बनेगा। क्या करना है? इस नंबर को उठाओ -1, इस नंबर को भी उठाओ 2। गॉट इट? अब आप दो, मैंने क्या बताया, नीचे नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर ना PYQ फॉर्म में होते हैं, नीचे आप इसको 1 लगा के PYQ बना लो पहले, ठीक है? नंबर ही रैशनल नंबर वाला चैप्टर है। अब आप देखिए, नीचे नंबर सेम हो गए हैं, क्लियर, लेकिन नंबर तो हमारे को बीच में मिल ही नहीं रहे, -1 और 2 के बीच में। तो क्या करना होता है, आप किसी भी एक नंबर को सिलेक्ट करो, जैसे 5 रैशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं, तो मैं सजेस्ट करता हूं 5 से ज्यादा कुछ भी, 6 कर लो, 7 कर लो, 8 10, कोई भी सिलेक्ट करो। मान लो 10 से कर लेते हैं, 10 ऊपर मल्टीप्लाई और 10 ही नीचे मल्टीप्लाई, इन दोनों को किया, इसको भी करो, 10 ऊपर नीचे, ऊपर मल्टीप्लाई, 10 नीचे मल्टीप्लाई। गॉट इट? -1 को 10 से करेंगे -10, और 1 10 द 10, सिंपल सी मल्टीप्लीकेशन, इज इक्वल टू 2 10 द 20। गॉट इट? और 1 10 द 10, क्लियर? अब जो भी नंबर इनमें छोटा हो उसको पहले लिखो। ये नंबर छोटा है ना, माइनस वाला हमेशा छोटा होता है। देखो माइनस वाले नंबर लेफ्ट में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये छोटे होते हैं, प्लस वाले नंबर बड़े होते हैं। तो -10 by 10 स्मॉल नंबर है, यहां पे लिख दो, और बड़े वाला जो नंबर है वो यहां पे लिख दो। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इनके बीच के नंबर, अब -10 से बड़ा नंबर -9 आता है। गॉट इट?
माइनस नाइन से भी बड़ा नंबर माइनस एट, अभी बताया ना, माइनस एट से भी बड़ा नंबर माइनस सेवन, माइनस सेवन से भी बड़ा नंबर माइनस सिक्स बाय टेन, माइनस सिक्स से भी माइनस फाइव, अभी तो हमारे पास और भी थे माइनस फोर बाय टेन, हम तो ट्वेंटी तक बहुत सारे ले सकते थे, लेकिन यहां इन्होंने फाइव पूछे तो हमने फाइव सिलेक्ट करके दे दिए, दैट्स इट। अब माइनस टेन बाय टेन, माइनस टेन बाय टेन का ओरिजिनल नंबर क्या है, शुरू में वो क्या था, ये था जी माइनस वन था, यहां लिखना पड़ेगा आपको, और ये सारे नंबर यहां पे आप कॉपी करेंगे, गॉट इट। और फिर 20 बाय 10 स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में इट वाज ओनली 2, वो तो हमने चेंज किया था, बस दिस इज द फाइनल वे टू राइट द आंसर, ठीक है, मिल गए आपको नंबर। आओ इसमें देखें, माइनस वन बाय टू और माइनस वन बाय थ्री, सबसे पहला काम तो यही होता है दोनों नंबर्स को आप लिख लीजिए, माइनस वन बाय थ्री, गॉट इट। अब तो नीचे नंबर सेम नहीं है, इधर क्या था, नंबर सेम थे, ये हमारे को बहुत इजी क्वेश्चन मिल गया था, इसमें देखो नंबर सेम नहीं है तो पहले नंबर सेम करने पड़ेंगे, ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, नीचे वाले दोनों नंबर्स का एलसीएम ले लेना है, देखो बेटा ध्यान से समझ लेना, बस ये ऐसा ही आता है पेपर में, ये इजी होते हैं बहुत, ये वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों को आती है, पहले आप इसका एलसीएम लिया, सॉरी टू थ्री, थ्री एंड टू का एलसीएम, थ्री अंदर थ्री टू एज इट इज, तो वैसे ही मैंने आपको एक चीज बताई है, अगर कोई दो नंबर का एलसीएम लेना हो, वो किसी भी टेबल में ना आते हो तो मल्टीप्लाई कर दो, आपको एलसीएम ही मिल जाएगा, कोई भी एक टेबल जिससे दोनों ना आते हो तो मल्टीप्लाई करके एलसीएम, तो सिक्स एलसीएम आ गया। अब ये एलसीएम का करना क्या है, करना क्या है, आपको इस टू को सिक्स बनाना है, नीचे वाले नंबर को, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करूं, थ्री से, क्योंकि टू थ्री दा सिक्स बन गया ना, नीचे एलसीएम के बराबर बनाना है, नीचे मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये रूल होता है, कभी भी कोई चेंज आप नीचे ही अकेले नहीं कर सकते, आपको ऊपर भी वही चेंज करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई थ्री ऊपर नीचे दोनों से। अब इधर आओ, थ्री टू द सिक्स कर, टू का उससे मल्टीप्लाई करूं, नीचे वाले से सिलेक्शन होता है, ऊपर तो बाद में देखते हैं, पहले नीचे, थ्री टू द सिक्स, ये टू से मल्टीप्लाई किया तो बेटा टू को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गॉट इट। अब आपके पास आ गया ये थ्री वन द थ्री प्लस माइनस माइनस थ्री बाय सिक्स, और ये हो गया आपका माइनस टू बाय सिक्स, गॉट इट, क्लियर। अब आप ये देखिए, क्या माइनस टू और माइनस थ्री के बीच में आपके पास नंबर मिलेगा, आप देखो यहां पे देख लो, माइनस टू के बाद तो सीधा माइनस थ्री आ रहा है, नंबर तो बीच में कोई मिल ही नहीं रहा, तो अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, दोबारा से माइनस टू बाय सिक्स को उठा लो, ठीक है। अब माइनस टू बाय सिक्स और माइनस थ्री बाय सिक्स दोबारा हम पिक करेंगे, अब कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, सेवन, सेवन से ग्रेटर किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, टेन से कर देते हैं इजी रहता है, टेन से बच्चे इसलिए करते हैं इजी रहता है, इसी को फर्दर आगे हमने टेन से फिर मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अब आप बोलोगे सर ये क्यों किए थे पहले मल्टीप्लाई इसको थ्री से इसको टू, वो तो भाई ताकि सिक्स सिक्स बन जाए, नीचे सिक्स सिक्स बना, सेम सेम बनाना था ना, रूल बताया ना सेम सेम, ये टेन से क्यों किया, क्योंकि भाई रैशनल नंबर सेवन निकालने हैं, सेवन से ग्रेटर, इसमें क्या किया था हमने फाइव रैशनल ग्रेटर से मल्टीप्लाई सीधा कर दिया था, क्योंकि नीचे पहले से ही सेम थे, सेम करने वाले हमारे स्टेप यूज ही नहीं हुए इसके अंदर, गॉट इट। अब इसको मल्टीप्लाई माइनस थर्टी और सिक्स टेन द सिक्सटी, और ये क्या होगा माइनस ट्वेंटी सिक्स टेन द सिक्सटी। अब बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा नंबर है, ये है ना छोटा, जो बेटे माइनस में जो बड़ा दिख रहा होता वही छोटा होता है, ये ध्यान रख लो, अगर ऐसे और किसी तरीके से याद नहीं होता, माइनस थर्टी बाय सिक्सटी और एक तरफ क्या लिखोगे माइनस ट्वेंटी बाय सिक्सटी, तभी मैंने दोनों माइनस वाले नंबर ले लिए ताकि आपको पता लग जाए, माइनस थर्टी से बड़ा कौन होता है, माइनस ट्वेंटी नाइन होता है, बस नीचे सिक्सटी सिक्सटी लगाते रहना, ये माइनस ट्वेंटी एट और नीचे सिक्सटी, ऐसे माइनस ट्वेंटी सेवन नीचे सिक्सटी, माइनस ट्वेंटी सिक्स नीचे सिक्सटी, माइनस ट्वेंटी फाइव नीचे सिक्सटी, ऐसे ही है ना बेटा, थ्री टू फाइव दो और लिखने हैं हमारे को, क्लियर, माइनस ट्वेंटी फोर बाय सिक्सटी, माइनस ट्वेंटी थ्री बाय सिक्सटी, एंड लास्ट वन इज जो हमारा नंबर है माइनस ट्वेंटी बाय सिक्सटी। अभी फाइनल आंसर लिखा नहीं गया, अभी एक स्टेप और है जो मैंने बताया, माइनस थर्टी बाय सिक्सटी का सबसे स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू क्या थी, माइनस वन बाय टू, तो माइनस वन बाय टू यहां लिखोगे, बीच में ये सारे नंबर लिखोगे जितने भी नंबर्स आपने, क्योंकि सेवन बताने थे ना, सेवन ही आपने बता दिए, और लास्ट में कौन सी वैल्यू लिखोगे, माइनस ट्वेंटी बाय सिक्सटी किससे आया था, वन बाय थ्री से,
माइनस वन बाय थ्री से. गॉट इट? क्लियर हो गया? बस दिस इज द फाइनल वे टू राइट द आंसर. आई होप बेटा वीडियो समझ आई होगी. बाकी बेटा प्रैक्टिस करके देख लो. फाइव क्वेश्चंस अभी कर लो, अभी नोटबुक उठाओ और अभी कर डालो. उसके बाद ये कॉन्सेप्ट में कोई जान ही नहीं बचेगी. जब भी आप देखा करोगे आप बोलोगे अरे ये तो मुझे आता है. ठीक है? तो बेटा अगर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया. और प्लीज बेटा शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. आप सीख रहे हो, अगर आप सीख रहे हो तो दूसरों को भी हेल्प करो कि वो भी सीखे. थैंक यू. खूब पढ़ो, खूब बढ़ो. विश यू ऑल द बेस्ट.